क्लास कैसे हैं आप सभी लोग। 30 डेज पॉलिटी विद राणा सर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लेक्चर्स कभी कभार डिलेट हो जाते हैं, कभी कभार नहीं आ पाते। रीजन है, 2 दिनों में मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए बट विदाउट साउंड आ रहे थे, साउंड में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो टेक्निकल ग्लिचेस कभी कभार ऐसे आ जाते हैं कि हम चाह कर भी आपका वीडियो टाइमली नहीं दे पाते, तो उसके लिए वेरी सॉरी। एंड कभी कभार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, भाई दिन भर मेहनत करना या काम करना और उसके बाद भी लोगों की सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा समय लगता है। बट बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 25 के अंतिम दो भाग चल रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ अंतिम दो भागों की बात है, जो आज के आज आपको मिल जाएंगे, आप आराम से उनको देख सकते हैं। उसके आगे हम अगले प्रोसीजर पे आ जाएंगे। सॉरी बोलता हूँ जितना डिलेड हुआ, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपने लेक्चर्स को हम खत्म करें। देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं बिल्स की। बेटा बिल्स, देखिए कोई भी चीज पार्लियामेंट में आती है और बिल बनती है, बिल के बाद एक्ट बनती है, तो 3-4 तरीके के बिल आ सकते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा फाइनेंशियल बिल, तीसरा, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट हमको पढ़ने पड़ने, और कौन से बिल होते हैं? चलिए आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डालता हूँ। एक बिल आपको मैंने 368 में पढ़ाया, एक और बिल यहाँ पर है। ये दो बिल कौन से हैं आप मुझे बताइए, अभी स्लाइड में आगे अभी जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट कोशिश करिए रिकॉल करने की, अगर आपको रिकॉल होता है तो कॉपी में लिख लीजिए 4 तरीके के बिल कौन से होते हैं। अब मान लीजिए जैसे ए बिल पास होना है, ठीक है, अब इस ए बिल में क्या होगा? ये ए बिल दो लोग लाएंगे, या तो प्राइवेट मेंबर लाएगा या पब्लिक मेंबर लाएगा। प्राइवेट मेंबर का मतलब वो होता है एमपी, तो वो होगा एज ऑब्वियस, एमपी से ऊपर उसकी कोई पोस्ट नहीं होती, तो एमपी तो वो होगा ही होगा। पर एमपी से ऊपर उसको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो ये नहीं होता, तो ये प्राइवेट बिल हो जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल। पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं। पब्लिक बिल मतलब जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, पीएमओ है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वहां से कोई बिल आएगा तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। अब ये बिल आता है तो दो जगह जा सकता है, तो राज्यसभा या लोकसभा, ऐसा नहीं है कि सीधे एक जगह आएगा, दोनों जगह जाना है, कहीं पे भी आप प्रेजेंट कर दीजिए। मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में प्रेजेंट हुआ तो लोकसभा में स्पीकर महोदय के पास जाएगा, स्पीकर महोदय से कहा जाएगा साहब हम ये बिल ला रहे हैं, तो उस बिल को सामने रखा जाएगा, कहा भैया ये बिल आ रहा है, क्या इस मोशन को हम पास कर दें? कहते हैं कर दो, तो बिल बन जाता है। अब जब बिल बन जाता है तो बिल पर डिस्कशन होना जरूरी है। भाई अगर किसी चीज को कानून बनाना है तो उसको समझना भी तो पड़ेगा, आप ऐसे ही तो उसे कानून में बदल नहीं सकते कि उठाया और कानून बना दिया, उसको समझाना पड़ेगा, बेसिक उसका समझना पड़ेगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे, तभी तो आप किसी चीज को कानून बना पाओगे। तो आप कोशिश किस चीज की होगी? इस चीज की कि उसको कानून बना दिया जाए। तो कानून बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। भाई किसी भी चीज को कानून ऐसे ही नहीं बना दिया जा सकता कि बस उठाया और कानून बना दिया, नहीं पॉसिबल। कानून बनाने में टाइम लगता है किसी भी चीज को, तो उसको कानून बनाने का एक प्रोसेस चलता है, उसी को आज हमको पढ़ने की कोशिश करनी है। अब देखो, लेजिस्लेचर प्रोसीजर्स आइडेंटिकल इन बोथ हाउसेस, मतलब राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की, दोनों में सेम जाएगा। एवरी बिल हैज टू पास थ्रू द सेम स्टेजेस, सारे चरण एक जैसे हैं, उसी के थ्रू जाएंगे। अगर लेजिस्लेशन में आता है उसके बाद वो लॉ बन जाता है। पार्लियामेंट में दो तरीके के बिल होते हैं, एक प्राइवेट बिल एक पब्लिक बिल, ठीक है। तो प्राइवेट बिल जो होता है उसको हम, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल को प्राइवेट मेंबर बिल भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको मैं बता चुका हूँ, है ना, ये दोनों गवर्न सेम जनरल प्रोसीजर से होते हैं, दोनों की सेम स्टेजेस होती हैं, बट जनरली जो गवर्नमेंट बिल है उसके पास होने के चांसेस 100% होते हैं और प्राइवेट बिल के रिजेक्ट होने के चांसेस इमीडिएटली होते हैं। ये तो एक इशू चलता है, इसको आप बदल नहीं सकते। अब बात आती है पब्लिक और प्राइवेट बिल में अंतर क्या होता है। भाई पब्लिक बिल जो है ये इंट्रोड्यूस कौन करता है? जो पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स हैं वो। प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर नहीं है उनके द्वारा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को दिखाते हैं, ये अपोजिशन की पार्टी किसी पब्लिक मैटर से रिलेटेड कोई भी बिल आपके सामने ले आती है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके चांसेस कम होते हैं। इसका रिजेक्शन अमाउंट हाउस में अगर होता है तो वो सरकार तक को गिरा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार है नहीं तो तुम गिर जाओ, क्या फर्क पड़ता है हमको। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन जो होता है 7 दिन की नोटिस में होता है, इसको लाने के लिए आपको 30 दिन की नोटिस देनी जरूरी है, 30 दिन से पहले आपके सामने नहीं आएगा। इसका ड्राफ्ट जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो करता है, जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री को चला रही है तो राजनाथ जी नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसके बारे में बारेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइवेट मेंबर ला रहा है वही लेता है, कहता है भैया हम ही लेंगे, हम ही करेंगे।
अब बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, उसको भी चार कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। देखिए मैंने क्लास अभी पीछे इसलिए पूछा क्योंकि कल ही अभी इनके बारे में डिस्कशन चला था और परसों के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लेक्चर्स में इसका डिस्कशन बच्चों के साथ चला था क्लास में, तो वो भी वीडियोस देखते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। जो क्लासेस नहीं करते उनके लिए बात अलग है, वो वीडियो के वेट के बाद जब पढ़ते हैं तो बात अलग होती है, बट ये चीजें वो पढ़ चुके हैं। देखिए ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल की बात करेंगे, अनुच्छेद 117 में दिए गए। मनी बिल जो है, फाइनेंशियल बिल, अनुच्छेद 117 में दोनों दिए गए, मनी बिल 110 में दिए गए। ऑर्डिनरी बिल का सेम कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में, पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन उनसे पूछा था। जो अभी पढ़ रहे हैं वो उसके लिए परेशान ना हो कि सर मुझे भी नहीं आता था, आपने मुझसे भी पूछ लिया। तो आपको नहीं आता था, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने उनसे पूछा है जिन्हें बताना था। आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड। पूरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है 368 के कैसे अमेंडमेंट्स होते हैं, तो इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी हो सकता है वो अनलिस्टेड हो, बट वो रिपब्लिक कर दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा वहां से। अब समझिए ऑर्डिनरी बिल जो होता है बेटा वो आता है, ऑर्डिनरी बिल आएगा उसके बाद बेटा मनी बिल आता है। देखिए मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर दी गई है, बट यहाँ पर लोकसभा को पावर दी गई है, राज्यसभा को सिर्फ रिकमेंडेशन करने का अधिकार, राय दे सकते हैं पर बिल को होल्ड नहीं कर सकते। तो मनी बिल में उनकी पावर कम हो जाती है, फाइनेंशियल बिल में ये वाली वापस आ जाती है। तो मैजिक की बात क्या है, मनी बिल्कुल बिल्कुल अलग रखा गया, बट अभी हम बात करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल अगर आता है तो वो किस तरह पार्लियामेंट में जाता है, क्या उसका लीगल प्रोसीजर चलता है, उसके बारे में बेसिक बात चलेगी। अब देखिए जब भी कोई बिल आता है तो वो तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है, ज्यादा नहीं, तीन प्रोसेस, बहुत छोटी छोटी है, इसके लिए परेशान नहीं होना। पहली फर्स्ट रीडिंग। अब फर्स्ट रीडिंग क्या होती है इसको समझिए, फर्स्ट रीडिंग जनरली जीरो होती है, कुछ नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए राजनाथ जी आते हैं और राजनाथ जी कहते हैं कि भाई देखिए मैं एक बिल ला रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल ला रहा हूँ, ये ऑर्डिनेंस बिल आ रहा है। तो स्पीकर साहब कहते हैं ठीक भैया ले आओ, तो स्पीकर साहब के कहने पर ऑर्डिनेंस बिल आता है। फिर ऑर्डिनेंस बिल के बारे में फर्स्ट रीडिंग में जब पार्लियामेंट में बोला जाता है तो इसमें क्या करते हैं, इसका एक इंट्रोडक्शन जनरली कि इसके अंदर क्या है और इसका एक टाइटल, इतनी चीजें बता दी जाती है और यहीं पर फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाती है। मतलब ये आने वाले टाइम पे डिबेट में होगी। अब भाई बिल छोटा मोटा तो होगा नहीं, इतना मोटा हो सकता है 40 पन्ने, 20 पन्ने, 100 पन्ने, 1000 पन्ने, जो भी हो जितना बड़ा बिल। अब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो बिल नहीं जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बिल की तरह आया था ड्राफ्टिंग कमेटी से। तो जब ये आता है, देखिए कि ये जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पास होते समय भी फॉलो किया गया था। पहली रीडिंग बाद सेकंड रीडिंग 14 नवंबर को दी गई थी और फाइनल और थर्ड रीडिंग थी 14 नवंबर को, उसके बाद उसे पास करा दी गई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग हर जगह चलती है। अब ये आता है, जब ये आया तो कहा गया भाई अब इसका क्या करें, तो इसके लिए कहा गया इसे गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करा दिया जाएगा। जो भी बिल आता है उसे गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कराया जाता है, तो इस बिल को हमने गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करा दिया। अब ये बिल गैजेट ऑफ इंडिया में आ गया, अब क्या होगा, जो मेंबर्स बैठे हैं अपोजिशन के और अदर, वो इसको रीड करेंगे। जब इसको ठीक से पढ़ देंगे, जब इनकी रीडिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद बेटा आएगा सेकंड रीडिंग का फेज। अब सेकंड रीडिंग के फेज में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, स्टेप 1, 2, 3, इसमें 2 है कमेटीज। तो अगर मेंबर कहता है कि इसके लिए कमेटी गठित की जाए और इस बिल के ऊपर प्रॉपर रिसर्च की जाए, तो वो भी की जाती है, तो कमेटीज भी बैठती है। तो अगला लेक्चर हमारा कमेटीज से है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है सेकंड रीडिंग की बात आती है। अच्छा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका आंसर कहाँ मिलेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि भाई सेकंड रीडिंग के पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग गैजेट ऑफ इंडिया में चीज प्रिंट हो जाती है, तो गैजेट ऑफ इंडिया में आने के बाद उसे जब रीड किया जाता है, गैजेट ऑफ इंडिया प्रिंट कौन करता है, पब्लिकेशन किस मिनिस्ट्री के हाथ में। तो आप मिनिस्ट्री की साइट पे जाइए, आप देखिए वहां पे आपको कई सारी, देखिए जब आप मिनिस्ट्री की साइट्स देखते हैं तो उनको रटने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर के टैग को देखिए, उसमें योजनाएं चल रही होती हैं। कभी अगर आप देखेंगे यार नाम तो डिफेंस मिनिस्ट्री का है, चल होम मिनिस्ट्री में रहिए, या ये काम तो होम मिनिस्ट्री का है, चल फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहिए। वैसे ही जब ये गैजेट ऑफ इंडिया ये पब्लिश करता है रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट या हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इन दोनों में से एक करता है, शहरी आवास मंत्रालय करता है या ग्रामीण आवास मंत्रालय करता है, ग्रामीण और शहरी मंत्रालय करता है। तो वर्ल्ड है, ग्रामीण और शहरी मंत्रालय तो कोई है नहीं,
हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री है तो वही से प्रिंट करती है। तो ये हो गया। अब सेकंड में क्या होता है, जब ये प्रिंट हो जाता है, पब्लिश हो गया गैजेट में, लोगों ने इसे ठीक से पढ़ लिया, टाइम दिया गया भैया पढ़ लो, बिल्कुल बिल एकदम सॉलिडली पढ़ लिया गया कि भाई ये चीजें इसमें है, हम समझ गए। अब समझने के बाद क्या होता है, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी फाइनल शेप में। जैसे आईएएस का पेपर आप देने जाते हो तो कोचिंग कहती है पहले प्री पास कर लो, फिर मेंस की बात करेंगे, है ना, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें। हम कहते हैं भाई इन दोनों की बात ही मत करो, सीधे मेंस पास कराओ ना। तो ये इनका मेंस है, मतलब अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, मतलब आप 1750 नंबर पे फोकस करते हैं तो आपका एग्जाम जल्दी निकलेगा। तो वही चीज है, ये इनका मेंस है। अब ये अगर पास कर गए तो इनका पार्लियामेंट में चीज पास, और यहां फेल कर गए तो खत्म, मतलब रीस्टार्ट करोगे प्री से, ठीक है, वही चीज यहां चल रही है। अब जब ये हुआ तो फाइनल शेप देने के लिए यहां पे तीन चीजें हैं। पहले जनरल डिस्कशन, लड़ाई झगड़ा मुक्का लात घुसा सब हो जाता है, फार्मर बिल है या कोई भी बिल है उस पर लड़ाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था उस पर लड़ाई, ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल है उस पर लड़ाई, तो कोई भी बिल हमारी सरकार लाती है उस पर लड़ाई होती है। उसके बाद कमेटीज, अगर बहुत डिस्प्यूट है, लोगों को लगता है कि भाई ये कमेटी गठित करते हैं, कमेटी बना दी जाती है। उसके बाद फाइनल कंसिडरेशन आती है कि भाई आप बताओ क्या करना है, कंसिडर कर रहे हो बिल को कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो बताओ दूसरा ऑप्शन ढूंढे, वो कर रहे हो तो चुप्पे चाप कर लो, लड़ाई झगड़ा अपनी टटई में डाल लो, ऐसे बोल के उनको सपोर्ट कर देते हैं। अब जब बिल आता है डिस्कशन के टाइम पे, तो डिस्कशन के टाइम पे ये कहा जाता है भाई इसमें ये खामियां हमको दिख रही हैं, हमको ये अच्छाइयां दिख रही हैं, इन अच्छाइयों को हम कैसे फॉलो करें। तो भाई अपोजिशन पूछता है, जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज्यादा भांजी मारेगा कौन, जो अपोजिशन में बैठा होगा, क्योंकि वो सरकार में है नहीं, वो नहीं चाहता कोई अच्छा बिल है। अब वो जब भांजी मारता है तो सरकार का काम है उसको समझाना कि भैया तुम ज्यादा उंगली कर रहे हो, ना करो इतना, इतना अंगुल करे तुम्हारी उंगली में दिक्कत हुई, हमको दिक्कत हुई। अब इतना उन्होंने समझा दिया, उसके बाद वो आगे बढ़े। जब नेक्स्ट फेज पे जाते हैं तो कहते हैं देखिए भैया हम तो सेटिस्फाई नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव बैठे थे, कहे हम तो सेटिस्फाई नहीं है, हमका चाहिए कमेटी। तो ठीक भाई, पढ़े लिखे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा ठीक ले लो कमेटी। अब कमेटी बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत कोई नहीं है, कमेटी बहुत अच्छी चीजें बना दी, समय तो ली। अब ये बिल 3 महीने के लिए मिनिमम रुक गया। अब 3 महीने इसका लेजिस्लेशन प्रोसेस होगा ही नहीं, कुछ कोई भी बात नहीं होगी भाई साहब। जब कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी तब बात करेंगे इसके लिए, काम खत्म। बट अगर कमेटी नहीं आती, ये स्टेज नहीं है याद रखिए, तो कंसिडरेशन करना है, हाँ या ना बोलो निकलो। अब पहली बात, जरूरी नहीं है हर बिल को कमेटी में डाला जाए, और जरूरी नहीं है कमेटी हर बिल को रीड करे। तो वो रिकमेंडेशन होती है प्राइवेट मेंबर की, जिसने बिल लाया, बिल वाला पर्सन बोल सकता है, लोकसभा का स्पीकर बोल सकता है कमेटी बनाओ, इसके बारे में हमें सब बहुत कुछ जानना, तो वो चीज हो सकती है। थर्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबेट खत्म हो चुकी, रिजेक्शन सिलेक्शन सब खत्म, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज है भैया रिजेक्ट कर दो या सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं है, स्क्रूटनी अलाउड नहीं है, क्योंकि भैया मेंस लिखते समय तुमने हमें बहुत पागल कर दिया, बहुत पूछे थे, 20-20 क्वेश्चन 4 पेपर में पूछे थे, ऐसे लिखाए थे और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए थे, अब हमसे देखो वो ना पूछना। इंटरव्यू में हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं यार अगर हम 1750 में से 800-850 नंबर नहीं लाए तो इंटरव्यू के लिए तो बुलाओगे नहीं। तो अब इंटरव्यू में भाई 1750 नंबर पूछे थे तो इंटरव्यू काहे का। वही चीज यहाँ पर है कि भैया मेंस लिखा चुके, मेंस ले चुके, अब हम पे तरस खाओ, अब बकवास यहाँ पे वो मत करना जो पिछली कर चुके, बहुत स्क्रूटनाइज कर चुके, बहुत चेक कर लिया हमारी नॉलेज, अब नॉलेज चेक करने ना बैठो, अब यहाँ बैठो इसको सिखाने। अब यहाँ गए, फिर मेजोरिटी आती है, मेंबर की प्रेजेंट होती है, ये बिल पास होगा कि नहीं होगा, तो बिल ऑथेंटिफाइड होता है, ऑफिसर्स उसको परमिशन देते हैं, कंसिडर करते हैं, अप्रूवल हो जाता है। बिल जब एक बार पास हो जाता है तो वापस जाता है दूसरे हाउस में, सेकेंड हाउस में, अब राज्यसभा में जाएगा, वापस यही प्रोसीजर स्टार्ट। यहां से जो बिल पास होकर गया उस पर दोबारा वही प्रोसीजर लगेगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, फाइनल अप्रूवल, उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। अब राष्ट्रपति महोदय सोचेंगे कि इसको रखें ना रखें, उनके पास एक ही वीटो, सस्पेंसिव वीटो, उसको फॉलो करें तो करें, वरना एसेंट देनी पड़ेगी। तो ऑन ऑल अगर कोई सरकार का बिल है तो उसके पास होने के 99.99% चांसेस होते, 1% होता है कि बिल फंसता है, बट वो ज्वाइंट सेटिंग में उसे भी पास करा लेते। अब बिल इन सेकेंड हाउस सेम प्रोसीजर चलेगा। अब इसमें क्या है, वो प्रोसीजर के बाद वो क्या कर सकते हैं, वो इस बिल को विदाउट अमेंडमेंट भेज सकते हैं कि भाई जो तुमने किया बहुत अच्छा है, इसी को ले लो, हमारे पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने का। वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं कि भैया रिकंसिडर कर लो, रिजेक्ट कर सकते हैं या जेब में रख के घूम सकते हैं, कह सकते हैं यार
मोदी सुननी नहीं हमको, हमारा मने नहीं हम इनका सुनी। कभी कभार क्या होता है, लोकसभा में आपकी मेजोरिटी पर राज्यसभा में नहीं होती, राज्यसभा बहुत बांझी मारती है, कहते हमको सुनना ही नहीं तुम्हारा, तुम्हें जो करना है कर लो, जो खड़बा उखाड़ लो, हम नहीं कर रहे। अब जब ऐसा वचन आ गया तो यार योगी और मोदी जैसे बड़े नेता पगला गए। और अमित शाह को जानते हो, अगर वो सनका तो दूसरा नया स्टेट बना डालेगा तोड़ फोड़ के। होम मिनिस्ट्री इसीलिए उसे दी गई है कि जहां उंगली हो वहां पे बस स्टेट तोड़ दो, काट दो, कैंची चला दो, टक टक टक। तो भाई इन्होंने कहा नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई, डेडलॉक हो गया। अभी आगे पढ़ा रहा हूं डेडलॉक। अब डेडलॉक हो गया तो लगेगी ज्वाइंट सिटिंग। अब यहीं पे ट्विस्ट आ जाता है, अगर ये नीच के तीनों हो जाते हैं, मतलब नीचे के तीनों हो जाते हैं और कोई भी पार्लियामेंट का सदन नीचता दिखा देता है, ह्यूमिलेट कर देता है बिल्कुल, तो फिर राष्ट्रपति से कहा जाता है सुनो गोविंद साहब, अब गोविंद बनो हमारे, बलिहारी बनो हमारे, हमें तारो इस बिल से। तो रामनाथ कोविंद साहब गोविंद बनते हैं, सबको आदेश देते हैं कौरव पांडव दोनों मेरे सामने हाजिर हो, ज्वाइंट सिटिंग करा देते हैं। अब कौरव पांडव दोनों डर के जाते, काहे बुलाए कान्हा हमारे, अब कान्हा महाराज बुला लिए, मतलब रामनाथ कोविंद बुला लिए, अब इनको जाना पड़ेगा, अब ये गए। तो ये चार कंडीशन में, ये नीने की तीन कंडीशन होती हैं, तो यहां से लग जाता है डेडलॉक, और डेडलॉक के बाद होती है ज्वाइंट सिटिंग। अच्छा अब ध्यान रखिए, अब कोई बात नहीं होगी इस बिल पे। अब तुमने कहा यार हमसे गलती हो गई, चलो वापस ले लो बिल, मान लो राष्ट्रपति को क्यों बुला रहे हो, फालतू परेशान होंगे बुढ़ापे में, इतनी तकलीफ मत दो, घुटे ने वैसे डर। ना 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 ना, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा किसी सदन में, अब ना लड़ाई करेंगे, अब थर्ड अंपायर फैसला सुनाएंगे, तो आओ ज्वाइंट सिटिंग में ही बहस करेंगे। तो एक बार ये हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं। अब अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो 100% बिल कौन ले जाता है, लोकसभा। क्यों सोचो, क्योंकि लोकसभा की सदन में मेजोरिटी है, बहुमत है, और सीटों की बात करो तो भाई साहब के पास है 225 से 240 सीटें और यहां पर है 444 सीटें, कौन ज्यादा है, ये 444 से 445 सीटें हैं, तो सदन में तो ये आगे बढ़ जाएंगे, मेजोरिटी ले जाएंगे। ऐसा तो नहीं राज्यसभा में उनके एक भी मेंबर नहीं होंगे, या ऐसा भी नहीं होगा राज्यसभा में कोई इनके बिल की इज्जत नहीं करेगा, बहुत लोग करेंगे। तो जब मेजोरिटी की बारी आती है तब तो भैया एक बात समझ लो, ज्वाइंट सिटिंग मतलब लोकसभा विनिंग। तो 90% साहब राज्यसभा कहती है यार काहे को फालतू के लेथन में पड़ो, लड़ाई भी कर लो मोदी जैसे बंदे से, ये 3 साल बाद रिटायर होना है, उसके बाद साला 2 साल 3 साल बाद फिर से सीट मिल जाएगी, 2 साल रिटायर के 2 साल मस्ती के फिर से सीट मिल जाएगी, मोदी से लड़ाई कर लेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि ये तो नहीं जाने वाला 10 साल अभी। तो इन्होंने कहा भैया ज्वाइंट सीटिंग नहीं बैठाते चलो। पर अगर ज्वाइंट सीटिंग बैठी, एनी हाउ कभी कभार ऐसा होता है कि ज्वाइंट सीटिंग बैठती है तो दिक्कत आती है। अब यहां पर डेडलॉक हो जाता है। जब ये डेडलॉक होता है तो इस डेडलॉक की इन तीन सिचुएशन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं आ बेटा ज्वाइंट सेटिंग करेंगे। अब इसी में इसके बारे में बात होगी और जो बिल आएगा वो प्रेजेंट होगा और पास हो जाएगा। अब यहां पे समझ लीजिए, अभी ज्वाइंट सेटिंग के बारे में बात होगी है ना, जब भी ज्वाइंट सेटिंग होती है, जरूरी नहीं हर बिल की हो, बट ज्वाइंट सेटिंग होती है, उसके बाद 3 अल्टरनेटिव होते हैं प्रेसिडेंट के पास। अभी ज्वाइंट सिटिंग की बात होगी, ध्यान रखिएगा अभी खत्म नहीं किया हमने। प्रेसिडेंट बिल पे एसेंट दे दे, विदहोल्ड कर ले, या रिटर्न कर दे कंसीडरेशन के लिए। पहले और तीसरे में अगर रिकंसीडर करने भेजा पार्लियामेंट ने, कहा मैंने कंसीडर कर लिया तुम साइन मारो, वापस भेज दिया सेम बिना चेंज किए, तो अब राष्ट्रपति को साइन मारना पड़ेगा। पर सस्पेंसिव वेटो में वो इसको टाल सकते हैं जब तक टाल पाते, तो ये तो अधिकार इनके पास है, राष्ट्रपति महोदय बिल को टाल सकते हैं ज्यादा समय के लिए नहीं। पर मान लो हमारे देश में दंगे चल रहे हैं और यूएपी आप लेके आ रहे हो और यूएपी भी बिल था, तो राष्ट्रपति साहब 3 महीने तक तो इसे टाल ही सकते हैं, तब तक दंगा का खत्म हो जाएगा, हर बंदा जेल नहीं जाएगा। तो तरीके हैं, चीजें रोकी जा सकती है, तो हमारे पास सस्पेंसिव वीटो है बिल्स को लेकर, है ना। इसके बाद आता है मनी बिल, रुपया पैसे से रिलेटेड बिल। आर्टिकल 110 बोलता है कि मनी बिल होता है। अच्छा मनी बिल के बारे में ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, 110 में 7 पॉइंट दिए हैं, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो मनी बिल, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, मनी बिल बनाया गया है तो अब यूपीएससी के लिए ये 7 पॉइंट याद कर देना, हो सकता है आपके कूट में डाल दें, कोड में डाल दें,
कि आउट ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट डू नॉट मैच विद आर्टिकल 110(10) फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ बिल एज अ मनी बिल। किस बिल को मनी बिल बनाया जा सकता है और मनी बिल की कंसिडरेशन के लिए कौन सी मद फॉलो होती है। तो ये 7 पॉइंट है, ये 7 रट लो, दिल से एकदम दिमाग तक बैठा लो, दिलो दिमाग में छा जाना चाहिए, जैसे आपके दिमाग में आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छाए रहते हैं, कि उसके माथे का, चेहरे का, नाक का, मुंह का हर एक तिल याद रहता है, उसकी सांसें, धड़कनें, उसकी स्मेल याद रहती है, वही चीज यहां कर लो। ये सातों की सातों स्मेल अपने जहन में भर लो। अगर ये आपने कर लिया, इससे क्वेश्चन आएगा क्वालिटी। अब थोड़ा डीप जा रही है, तो जब डीप जा रही है तो डीप कॉन्सेप्ट पढ़ लो। तो बहुत ज्यादा नहीं है यार, अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी बदलाव करोगे, कोई भी टैक्स से रिलेटेड बदलाव करोगे तो आपको कहां जाना पड़ेगा। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी बदलाव है, मनी बिल, पैसा बोरो करना है मनी बिल, कंसोलिडेटेड फंड से पेमेंट देनी है मनी बिल, मनी को कंसोलिडेटेड फंड से अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करना है मनी बिल, डिक्लेरेशन एक्सपेंडिचर का उसके चार्ज देखने हैं मनी बिल, रिसिप्ट मनी के अकाउंट की है मनी बिल, कोई अदर मैटर ऊपर से नीचे रहकर 1 से लेकर 6 तक कोई भी मैटर में से कुछ भी आ जाए मनी बिल। अब बात आती है साहब मनी बिल बनता कैसे। आइए इसी जगह लिख लेते हैं, ये थोड़ा स्पेस खाली दिख रहा है। तो मनी बिल बनेगा कैसे, बात आती है साहब मनी बिल को मनी बिल बनाए कैसे। तो सर मनी बिल को मनी बिल बनाने का काम लोकसभा का स्पीकर कर, वो ये कंसीडर करता है मनी बिल है कि नहीं। अगर उसने एक ऑर्डिनरी बिल को भी मनी बिल बोल दिया, यू कैन नॉट चैलेंज इट इन कोर्ट, यू कैन नॉट प्रेजेंट दैट मैटर टू प्रेसिडेंट। यहां पर स्पीकर साहब प्रेसाइडिंग ऑफिसर की ही सबसे ज्यादा ताकत है। अगर उन्होंने बोल दिया ये मनी बिल है, मनी बिल है। अब मनी बिल में ट्विस्ट क्या है, मनी बिल राज्यसभा में पावरहीन है, कोई पावर नहीं राज्यसभा की बहुत ज्यादा कि मनी बिल कैसे पास होगा, मनी बिल अपने दम पे पास होता है। तो मनी बिल किसी भी बिल को बनाने में उसके 100% पास होने के चांसेस होते हैं। जैसे यूआईडी बिल था, ठीक है, जिसे आधार कार्ड आप बोलते हो, तो ये बिल आया था तो इसमें मनी बिल बना दिया गया था, इसे मनी बिल में कन्वर्ट कर दिया गया था और राज्यसभा में नहीं गया था कांग्रेस के टाइम, ये एक फायदा हुआ था। तो ऐसे तरीके बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मनी बिल की 7 मदें हैं। अब ये है क्वेश्चन जो आपको बताया कि इसको कौन पास करेगा, स्पीकर बताएगा, ये हाउस में जाएगा, ये बिल जब पास हो जाता है तो इसके बाद ट्रांसमिटेड राज्यसभा में होता है, पर राज्यसभा इसमें रिकमेंडेशन देती है और अपनी रिकमेंडेशन भेज देती है। अब ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है, वो उन प्रोसीजर में कॉन्स्टिट्यूशन ले होता है पार्लियामेंट के पास है कि लोकसभा में आए और वो रिकमेंडेशन मानने चाहते हैं कि नहीं। प्रेसिडेंट के साथ भी है, अगर रिकमेंडेशन नहीं मानते तो उसके बाद ये बिल पास माना जाता है। अच्छा, ये बिल सिर्फ मिनिस्टर ला सकता है, प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकता। प्राइवेट मेंबर क्यों नहीं ला सकता, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि बेटा तुम तो सरकार चलाते नहीं, तुम्हें तो नहीं पता देश में कितने खर्चे होने, तो तुम क्यों लाओगे। अगर तुमको यही नहीं पता देश में कहां खर्चा होना है तो तुम बिल लाओगे कैसे, ये बताओ। बिल लाने के अधिकार तो तुम्हारे खत्म कर देंगे ना वहीं पे, तुम्हारे पास बिल लाने की पावर ही नहीं बची तो तुम कहां से ले आओगे, ये बताओ। तो बिल लाने का पावर ही नहीं है तो बिल आप ला नहीं सकते। जब बिल लोकसभा में पास हो जाता है राज्यसभा में जाता है, जैसे आपको बताया राज्यसभा के पास बहुत बड़ी पावर नहीं है, पहला इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, दूसरा इसमें रिकमेंडेशन दे सकती है, तीसरा 14 दिन में वापस दे दो, अगर 14 दिन में वापस नहीं तो मान लेंगे तुम हमारी बात मान गए। जैसे आपने किसी लड़की को लव लेटर दिया, वो तुमको पलट के ना मारे, मुस्कुरा के चले जाए, तुम समझते हैं यार हाँ बोल दिया उसको। कभी कभार हो सकता है तुमने स्पेलिंग में अर्थ का अनर्थ कर दिया हो, या इतनी गजब हिंदी लिखी हो या इतनी गजब इंग्लिश लिखी हो कि वो लड़की फंस के हंस के लोटपोट होके कपिल शर्मा समझ रही हो तुम्हें, वो हंसना चाहती हो, पर तुमने कहा हंसी तो फंसी। वही चीज यहाँ है, राज्यसभा का मन नहीं था पास कराने का, तब भी लोकसभा ने कहा बेटा 14 दिन बाद 15वें दिन तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हारी यहाँ आए, तुम्हारे से हमारा निकाह पढ़ा दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये एक इशू यहाँ चलता है, अगर लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्यसभा एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे लोकसभा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा इनकी रिकमेंडेशन चाहे तो माने, नहीं चाहे तो ना माने, कोई इनको परेशान नहीं कर सकता, तुमको इसको मानना पड़ेगा। लोकसभा किसी भी रिकमेंडेशन को मानती है नहीं मानती ये हम पर है, बट वो चाहे तो चेंज करे, नहीं चाहती तो एज इट इज उस बिल को पास करा सकती है, कोई रुक नहीं। अगर राज्यसभा उसे 14 दिन में नहीं देती उसे पास माना जाएगा। यहाँ पे लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा पावर है,
ऑन दी अदर हैंड हाउस हैव इक्वल पावर रिगार्डेड टू ऑर्डिनरी बिल। फाइनली मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट भी इसे ज्यादा देर तक रोकते नहीं है क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड होता है तो 90% टाइम पास हो जाता है, पर इनके पास सब्सटेंसिव वीटो है। नॉर्मली प्रेसिडेंट इस पे असेंट दे देते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल बिल। देखिए मनी बिल आर्टिकल 110 में, फाइनेंशियल बिल 117 एक और तीन में। दो तरीके के फाइनेंशियल बिल है। पहले फाइनेंशियल बिल में कोई भी मद मनी बिल से रिलेटेड जुड़ती है, मतलब मनी बिल की कोई ना कोई क्लॉज होती है बस। अच्छा क्लासिफाइज होता है मनी बिल आर सिंपली स्पीसीज ऑफ फाइनेंशियल बिल। मनी बिल जो है फाइनेंशियल बिल की तरह है। ऑल बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। जितने मनी बिल है वो सारे फाइनेंशियल बिल है, पर जितने फाइनेंशियल बिल है वो सारे मनी बिल नहीं हो सकते। ओनली दोज फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल व्हिच कंटेन्ड एक्सक्लूसिवली मैटर मेंशनड इन 110। आर्टिकल 110 में जो फाइनेंशियल बिल की मदें हैं वो मनी बिल में कन्वर्ट हो जाता है। देयर आर आल्सो क्लेरिफिकेशन, लोकसभा का स्पीकर बताता है कि ये मनी बिल है कि नहीं। फाइनेंशियल बिल एक और दो होते हैं, ये 117 के द्वारा डील करते हैं। फाइनेंशियल बिल एक कंटेन्स नॉट ओनली एनी मैटर मेंशन इन 110 आर्टिकल में, जो मनी बिल के आर्टिकल में दिया है उनमें से कोई ना कोई मैटर होता है, जैसे बोरोइंग की क्लॉज जुड़ी होती है। एस्पेक्ट में अगर फाइनेंशियल बिल एक है तो ये मनी बिल की तरह है, जैसे both of them can be introduced in only in Lok Sabha, not in Rajya Sabha. Both of them can introduce only on the recommendation of President. All other respect the financial bill, it is governed by the same legislative procedure applicable to ordinary bill. Financial bill one is similar to a money bill. अगर वो money bill के जैसा है, मतलब उसमें 110 से related कोई भी चीज है, तो वो money bill की तरह जाएगा। But अगर financial bill में कोई भी ऐसी मद नहीं है तो डिसएग्रीमेंट अगर दोनों हाउसेस के बीच में होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगी, डेडलॉक में, वही सारे प्रोसीजर चलेंगे अगर उसमें मनी बिल की कोई भी क्लॉज नहीं दिए। मनी बिल टू, फाइनेंशियल बिल टू की बात करेंगे तो इसमें एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से जाता है, बट इसमें आर्टिकल 110 की कोई भी चीज नहीं होती। आर्टिकल 110 की कोई भी चीज नहीं होती तो सिंपल सी चीज है, ये ऑर्डिनरी बिल की तरह आता है। इसके फीचर्स ये होते हैं कि ये हाउस में आ तो सकता है, सिर्फ एक डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल टू में कि ये पार्लियामेंट में आ तो सकता है, पर पार्लियामेंट में आने के लिए इसको प्रेसिडेंट की रिटन कंसेंट की जरूरत है, इनकी परमिशन के बिना नहीं आता। हेंस फाइनेंशियल बिल टू कैन बी इंट्रोड्यूस इन द ईदर ऑफ द हाउसेस, दोनों में से किसी हाउस में जाए कोई दिक्कत नहीं। जहां पे जाएगा वहां पे रिकमेंडेशन नेसेसरी है, ठीक है, प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है तो उसके बाद वो आ सकता है, ठीक है, कहीं पर भी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ज्वाइंट सिटिंग, जब भी कहीं डेडलॉक लगता है तो हमारी पार्लियामेंट में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर अगर कहीं फंसा देती है मैटर को और कहीं पे भी बेटा डेडलॉक लग जाता है तो वहां लोकसभा राज्यसभा मिलकर काम करती है और उस डेडलॉक को पूरा करती है। पहले अगर कब लगता है, बिल ने रिजेक्ट कर दिया हो या डिसएग्रीमेंट हो अमेंडमेंट पे, 6 महीने तक उन्होंने कुछ ना किया, तब ज्वाइंट सिटिंग होती है। अब इस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करी जाती है, तो जनरली मनी बिल के केस में ये नहीं होता, बाकी हर जगह होता है। तो अब यहां पे जब ये चीजें होती हैं तो यहां पर क्या चलता है, कहीं व्हाइट पेज नहीं मिल रहा, बस वही मैं ढूंढ रहा हूं, ब्लैक पेज। देखिए यहां पर बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग जब होगी तो ज्वाइंट सिटिंग की सिटिंग में लोकसभा के प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, जो लोकसभा का नियम कानून है वो चलेगा। यहां पर अब राज्यसभा साइड, यहां पर जब भी ज्वाइंट सेटिंग होगी, ठीक, तो उसको प्रिसाइड करेंगे लोकसभा के स्पीकर, वो नहीं होंगे तो डेप्टी स्पीकर, और वो भी नहीं होंगे तो राज्यसभा के डेप्टी चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है वो इसको प्रिसाइड नहीं करते। रीजन, वो तीनों हाउस, दोनों हाउसेस में से कहीं के सदस्य नहीं होते, पर ये तीनों कहीं ना कहीं के सदस्य हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं के सदस्य हैं, लोकसभा राज्यसभा कहीं से पाए जाते। अब अगर कोई बिल है अंडर डिस्प्यूट है और डेजोल्यूशन लोकसभा का हो जाता है, नो ज्वाइंट सिटिंग कैन बी सम्मन। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है और सम्मन करने से पहले ही लोकसभा डाइल्यूट हो जाती, नहीं होगा। बट अगर ज्वाइंट सिटिंग हो गई, उसका अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ने कर दिया और लोकसभा तब डिसॉल्व होती है, तो सिंपल सी चीज है, उसकी इंटेंशन है, तो जब भी राज्यसभा आएगी, लोकसभा आएगी, तो वो इस सिटिंग को करेगी, ये ध्यान रखें। इसके ऑफिसर में कौन होगा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर, स्पीकर डेप्टी स्पीकर, वो भी नहीं है तो चेयर, वाइस डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे चेयरमैन राज्यसभा के ज्वाइंट सिटिंग में पार्ट नहीं लेते, ये दिमाग में भरे रखना, ये बहुत जरूरी है। कोरम, भाई
कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए लोकसभा राज्यसभा में किसी चीज को पास कराने के लिए, 110। ये है टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने आ रहे हैं नॉर्मली, तो वो चलता है। और यहाँ पर भी वोटिंग चलती है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट एक दूसरे से अगेंस्ट आती है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी पावर यूज करके सबको बुला लेते हैं। अब बात आती है लोकसभा में कौन जीतता है, तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में कौन जीतता है, लोकसभा जीतती है ज्वाइंट सेटिंग में, मेजोरिटी ज्यादा होती है इसलिए। कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सेटिंग के बाद ज्वाइंट सेटिंग आ रही है, न्यू अमेंडमेंट्स ऑफ द बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट टू केस, दोज अमेंडमेंट दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट, फाइनल डिसएग्रीमेंट जिस चीज में उस पे, दोज अमेंडमेंट दैट माइट हैव बिकेम नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन द पासेस ऑफ बिल, ऐसे बिल जिनको अभी तक पास हो जाना चाहिए पर डिले हो रहे हैं, रीजन दोनों में डेडलॉक लगने में। तो 1950 से अभी तक ऐसा 3 बार हो चुका है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल आना था 1960 में, तब राज्यसभा लोकसभा में डेडलॉक लगा था, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल आना था 1977 में, तब ये लगा था, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल आना था 2002 में, तब लगा था। तो ये डेडलॉक लग चुके हैं, तो इनको सॉर्ट आउट किया जाता है, फिर ये चीजें कर ली जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे, YouTube चैनल आपको पता ही है, वहीं आप पढ़ ही रहे हो, टेलीग्राम पर भी आपका पेज है, आपको चाहिए होगा तो आप मेल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए या इस पे भेज दीजिए। अगर कोई Instagram पे नहीं जुड़ा है या टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा, वो जुड़ सकता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।